यार दोस्त, ये ना चाय की पैसे आप रखो, आप लोग काम कर रहे हो, बड़े खुशी हो रही है, सही है ना? ये आप लोग चाय पिए जाके, सही है, मेरी तरफ से चाय, सही है ना? ये खुशी हो रही काम करते हो आप लोग का, और अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे भाई, कि आप लोग यहाँ मेहनत से काम कर रहे हैं। तो ये भाई एक मेन करीमाबाद की जगह है, और यहाँ लोग काम कर रहे थे, इनको मैंने पैसे दिए चाय के, और पैसे से दिखावे के लिए नहीं दिए, कुछ ज़्यादा नहीं दिए मैंने, 1000-2000 चाय के पैसे दिए। मैंने कहा नहीं यार, ये बेचारे काम कर रहे हैं, मैं खुद जब खड़ा हूँ तो ठंड सी मुझे लग रही है, जब ठंड सी मुझे लगेगी तो यार ये लोग भी तो काम कर रहे हैं ना। तो यहाँ जितने भी हुकूमती लोग हैं उनको चाहिए आएँ, आके इनको अप्रिशिएट करें, और इस तरह के और बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं यार ग्राउंड पे, हमारे नुमाइंदे निकल के इनको अप्रिशिएट करें, ताकि कल को चोरी ना करें। अगर आज इनको अप्रिशिएट आप नहीं करोगे तो कल को यार ये भी घूस लेंगे, ये लोग भी चोरी करेंगे, ये लोग भी क्या करें डंडी मारेंगे काम में। तो ऐसे जो लोग हैं, चाहे वो स्वीपर हों, चाहे वो एडमिन ऑफिसर हों, चाहे वो लेबर में हों, चाहे वो अपर लेवल पे हों, जो काम करने वाले उसको अप्रिशिएट हमें ही करना पड़ेगा भाई। अगर हम अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो मुझे बताएं कि कौन कौन करेगा। और नदीम भाई, बात सारी ये है कि माने ये रैंडमली मेरे ध्यान में आया, मैंने ऐसे चाय दूसरे की, मैं खुद जब खड़ा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि ठंड हो रही है यार, आप देख रहे धुंध सी हो रही है, और इनको अप्रिशिएट करने वाला कोई है नहीं। तो मेरी तो गुजारिश है, और वीडियो भी लंबी मैं इसलिए लाइव चला रहा हूँ कि शायद कोई मेरे 20,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, 25,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर, 20,000 से ज़्यादा सॉरी, तो शायद क्या पता कोई अपोजिशन लीडर, कोई अपोजिशन का बंदा, कोई हुकूमत का बंदा वो आके देख ले, उनके चेहरे देख ले, ताकि कल को आके यार कुछ ना करें ना, कुछ 100 रुपये भी दे दें, लेकिन मान उनका दिल इतना बढ़ जाएगा। ऐसे लोगों को गौरव, ये मेरे ख्याल से ये जो है थर्ड पार्टी पे, अगर इनको हुकूमत में ले आए ना, नहीं गवर्नमेंट जॉब दे दें, लेकिन मान दिल लगा के काम करेंगे ये लोग यार, 5-6 फरादे ये लोग, सही है। इसी तरह मुझे आगे भी लोग मिले, मैंने इनकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं बिजी था, मगर यहाँ मैंने देखा ना मुस्तकिल लोगों को देखा है, मैंने शाम से देखा ये लोग लगे हुए हैं, सही है। कभी ये लोग यहाँ होते हैं, कभी सामने वाले एरिया, अभी सामने वाले एरिया उस ये क्लियर करके अभी इधर आए, फिर पहले कुछ दिन पहले वहाँ सामने पीएसओ बम की तरफ से, ये तो अच्छी चीज़ है ये लोग कर रहे हैं। तो गुजारिश है कि जितने भी लोग हैं पाकिस्तान से देख रहे हैं, तो देखिए हमें ऊपर लेके जाना है पाकिस्तान को, हमें अच्छाइयों को भी ऊपर ले जाना है, और जहाँ क्रिटिसाइज करना है वो क्रिटिसाइज करना भी चाहिए हमें, मगर एक दायरे में रह के, कि किसी की दिल आज़ादी ना हो। तो हमें ऊपर लेके जाना है, लोगों को हमें सही करना है, सही है, लोगों की जो इसलाह है उसे हमें ही करनी है, हमारे अंदर भी जो कमी बेशी है अल्लाह ताला वो भी माफ़ फरमाए, और हम भी अपने ऊपर अपना मुआवजा करके एनालाइज करके अपना एनालाइज करें, और अपना एनालाइज करने के बाद जो है वो हम अपने आप को भी सही करें, कि हम हुकुमरान छोड़ कहते हैं, हम भी तो इस किसी ज़िम्मे में आते हैं। अब जैसे ये नीचे के तबके के लोग अगर चोरी नहीं करेंगे तो इनको देखने वाले यार यकीन माने उनकी हिम्मत नहीं होगी चोरी करने की किसी काम की, वो काम करेंगे दिल लगा के। जब वो 5 अफराद को देखेंगे ना, पिछले 5 अफराद, तो 10 अफराद का एक पूरा ग्रुप बन जाएगा काम करने वाला, फिर 10 से 20 हो जाएगा। तो इसी तरह माशरा बनता है भाई, रवैयों से मेहनत से माशरा बनता है। अगर आपको माशरे के ऊपर लेके जाना है तो अच्छा। रदी भाई, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही लाइव लिया हुआ था करीमाबाद के अंडर पास के वाले से, अभी मैं वहाँ से ही आया हूँ, तो मैं आपको यहीं से बता देता हूँ कि जो पहला मरहला है अच्छी करीमाबाद का अंडर पास का, वो आपके सामने वो स्टार्ट हुआ हुआ है, और पहले मरहले का आधा काम स्टार्ट हुआ हुआ है, और वहाँ जो है बेसमेंट बन गई है। वहाँ आधा काम जो मीना बाज़ार और फसल बाज़ार के बीच वाला जो हिस्सा है, जो कि अभी भी वहाँ खुदाई हुई भी नहीं है, दुपट्टा गली वाली की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी जो दूसरा मरहला है ब्रिज के नीचे वाला, वहाँ भी काम स्टार्ट नहीं हुआ हुआ, और जो जावती अस्पताल वाला हिस्सा है यहाँ भी अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ हुआ। हाँ अलबत्त वहाँ ड्रेनेज की जो पाइप्स हैं वो डल रहे हैं, वहाँ ला के रख दिए। दूसरा जो बड़ा मामला है कि जो लूप होल्स हैं करीमाबाद के अंदर पास से काम के वाले से, उसमें एक काम ये है कि जो लाइट्स का मामला है, मैं भी वहाँ गया था तो वहाँ लाइट बिल्कुल भी नहीं जल रही। दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पूरी मिट्टी जो है वो दलदल बन गई है, वहाँ बैरियर्स नहीं लगे हुए हैं, साथ साथ कचरा नहीं उठा हुआ, ISO स्टैंडर्ड से वहाँ कॉस्ट्यूम नहीं पहनाए हुए अपना ठेकेदार ने मजदूरों को, ये एक लेकिनेसिस है। बाकी काम हो रहा है, अभी भी आज भी मशीन आई हुई थी जो कि वहाँ खुदाई करी गई है। तो अच्छी चीज़ है कि बारिश हो, धूप हो, रात हो, दोपहर हो, इतवार हो, काम हो रहा है। बाकी दिन में इंशाल्लाह एक मैं दोबारा लाइव अपडेट लेके आऊँगा कल, तो वो आपको उसी बताऊँगा। अभी शायद मैं थोड़ी देर बाद वहाँ जाऊँ तो दोबारा मैं लाइव लूँगा, और कराची के जो पहले मरहले का अंडर पास का जो हिस्सा बन रहा है वो प्रॉपर आपको मैं बताऊँगा। तो ये है कराची की करीमाबाद की अपडेट। इंशाल्लाह अभी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।